ए ठीक है, तीन ब्लैक वाले और काले वाले, ब्लैक वाले खुले हैं, व्हाइट वाले बंद है, ठीक है। एक ब्लैक वाले खुले तो काले वो व्हाइट वाले बंद है। अपनी शर्त बताओ आगे। और अगर व्हाइट वाले हो, कह रहा व्हाइट वाले भी खुले हैं, अगर व्हाइट वाले बंद हुए ना साढ़े, काले वाले भी ना दूंगा। अच्छा चलो, और अगर खुले हुए तो हवे तो दोनों पूरा डिब्बा तुम्हारा। चलो आ जा, डन हो गया। अगर व्हाइट वाले बंद हुए तो बेटा कुछ ना मिलेगा तुम्हें। आ जा साढ़े ऐसी की तैसी तुम्हारी ले, योदे उधर जब ब्लैक वाले ये रे, ठीक है। और इसमें है वे, अच्छा निकाल निकाल, इसमें सफेद वाले निकाल। अभी डिब्बा भी ना खोला था मैंने तो। हाँ ये कैसे पैक हो गए? अरे यो मत खा, ये सफेद वाले तो वो है। अरे साड़े नहीं पता कैसे खुल गए, कोई दिक्कत ना, ये खा लो ना काले वाले। अरे इसे इतना मत खाओ। अरे भाई ये थोड़ा हाजमे के लिए। अरे पूरा मत खोले भाई, वो हो जाएगी शुगर यार, भाई शुगर हो जाएगी यार, वो लग जाएगी यार, ज्यादा मत खा। धर देना दोनों अब, हैं साले का थूकन जा रहा है क्या? और बाबू ये है ही नहीं अब तो। ओके भाई जी, फिर मैंने भाई अपना सारा सामान पैक करके बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा हूँ, हैं छुट्टी मनाने। ओके जी, ओके भाई, ओके मैन, सी यू टुमारो मैन, कल अपनी मन्नत पूरी करनी है अपने को। हां भाई, यस, गाड़ी का नंबर जो आया। ओके जी बाय। तो जी आ चुके हैं अपने घर पे, देखने के लिए क्या सिस्टम हो रखा है। फोर सीलिंग चालू हो रखी है, दिग्गी होगी फोर सीलिंग, जिसको नहीं पता देख लो भाई, ये होती है फोर सीलिंग। ये अपनी गाड़ी खड़ी, अरे वाह ऊपर जाके देख के आता हूँ, बहुत दिन हो गए भाई, इतने दिन बाद छुट्टी मनाने आया हूँ अपने घर पे। देखिए भाई सारा सिस्टम सही, अपना काम चल रहा है, अब भी काम ही चल रहा था। और फर्स्ट फ्लोर की फोर सीलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, सेकेंड की चलने लग रही है, थर्ड फ्लोर में देखने जाऊँ हर बार की घर घर का क्या हाल है। एक मिनट रुकियो, हाँ तो भाई अब वापस चल दिए अपने घर पे। रसगुल्ले और गुलाब जामुन इकट्ठे रखे हैं, ये बेचारे गर्म हो जाएंगे जल्दी, तो घर पे पहुंचते हैं। एक चीज दिखाऊं भाई, ये ब्लैक कलर का रोड बन चुका सामने, बिल्कुल घर के सामने ब्लैक कलर का रोड, और आगे जाके बंद है काला रोड, खूब चौड़ा है ना। हाँ जी हेलो। हाँ भाई आ गया मैं छुट्टी मनाने यार दूसरे घर। मोटे यार तूने याद ना आवेगा मेरी, फोन तो करे ना। काम वाली का क्या कह रहा, फ्रैक्चर की स्पेलिंग ना आवे तुझे? ओ तेरी समझ में आ रहा ना? आया चल गया। गैरी फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर की स्पेलिंग लिख रहा है कुछ ऐसे, मैं उनको फ्रैक्चर लिख रहा कुछ। एफ आर आई ना, फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर सी जी हर कुछ ऐसा लिखा था। ओ ये तो गैरी काम वाली का पंचर होगा, वही मैं कह रहा हूँ। याद याद आऊंगा आपने मैं, हैं कल के बना के खुआ रहा फिर बढ़िया था। एक मिनट, रोज बढ़िया से खुआना लग रही थी मैं तूने। अरे खुद का रहा था, चुक चुक के बताना, मैं कह रहा हूँ रसगुल्ले लेकर आया था, लिया यार लिया रसगुल्ले लिया वक्त के, दो चार रसगुल्ले तक हुआ, डेजर्ट में सुअर गुलाब जामुन भी लाया हूँ, खा ले तू भी है, ज़्यादा मत खाइए बस। भाई मेरे साथ तो बैठा भी नज़ारा, इतना थक रखा हूँ मैं, और ये ट्रेंडिंग तीन की खुशी में ब्रह्मास्त्र भी आ गया ना, ट्रेंडिंग एक आता अपना। अरे वो रणबीर कपूर की फिल्म आ गई मोटे, ये जाना है बॉलीवुड में सबने, बता दो किस किस ने जाना है तुम सबने, खुद भी बॉलीवुड तक आई है। ओ इतनी सुथरी मम्मी है मेरी, इनकी शक्ल देखी तूने मेरी, इतनी सुथरी मम्मी है मेरी, देखियो भाई बॉलीवुड में जान लायक ना आयो, कमेंट करके बता देना सारे, खुश हो जाएगी। है बिल्ली जी ना, मम्मी आप जा सको बॉलीवुड में बताना, जेन्युइन नहीं, चलो जेन्युइन मेरे शो की नन चीज होगा ना, वैसे शक्ल सूरत है, शक्ल सूरत है, इतने सुंदर ना हो आप। अरे मेकअप मेकअप मैं अपने आप में सुंदर सुंदर समझूं, मैं कह रहा हूं मेकअप करा है बस, मेकअप हट जाता है बहुत बुरी रहे, तेरे ते बुरी रहे, यहां जिंदगी मेकअप ना करा। हां देखियो कभी क्लियर स्किन मेरी मम्मी को, ओ थू थू। गुड मॉर्निंग गाइस, कल के ब्लॉग से ही कंटिन्यूटी में चल रहा है, और भाई तुम्हारे भाई ने अपनी नींद पूरी कर ली, दो दिन से जो सोया नहीं था ना भाई, बढ़िया आपने आंख मीच के सोया, मेरे हिसाब से 2:30 बज रहे, 3 बज रहे, नहीं पता कितने बज रहे, पता ना जितने बज रहे उठ लिया मैं, और मेरा चल रहा है भाई साहब इधर मैंगो शेक, और लव बाइट नहीं है कभी, तुम सोचो लव बाइट है, ठीक है ना, ये देखो इसके मारो चीयर्स, दोबारा नींद नहीं आएगी, नींद पूरी हो चुकी है बढ़िया भगवान की दया से। और आज का सीन ये है कि मम्मा रेडी ना लिए आप, झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, देखिए अच्छा दिखाइए शक्ल, दिखाइए अपनी, खमा कसम, अरे नानी के ऊपर भी कसम खाऊंगी कि मैं, खा लेना फिर माँ कसम, मेरी कसम माँ मार दी तेरी कसम, पहले इस टाइम तक ना नहाऊंगी मैं, सब तेरे अपने जैसे समझ ली। हाँ बोल।
भाई इतना बड़ा काजू डाले रहेगा मैं कह रहा हूँ भाई अभी नहाएंगे, लक्ष्य अर्चित भी आ रहे हैं, फिर जाएंगे हम लोग मंदिर। चलोगे? पक्का चलोगे? हाँ। मंदिर मंदिर पता है क्यों जा रहे हैं? बता क्यों जा रहे हैं मंदिर? गाड़ी के नंबर के लिए। हाँ? भाई नहीं, मंदिर तो वैसे भी जाना चाहिए, बट बड़े दिनों बाद मेरी गाड़ी का नंबर आया तो मेरा मन था भाई कि मैं मंदिर जाऊँ और प्रसाद चढ़ाऊँ। क्या हो गया, मजा आ गया क्या कि प्रसाद चढ़ाऊँ मैं? और हमने गुड़ भी लेना है वहाँ पे गौशाला में, गुड़ खिलाएंगे। और क्या क्या करना? गुड़ लेना है, लड्डू लेने, लड्डू लेने, प्रसाद चढ़ाना, मतलब बेसिकली। तो अभी लक्ष्य अर्चित आ रहे हैं, मैं इतने नहा लेता हूँ, नहा के जाएगा ना मंदिर, उससे पहले पी लूँ जरा। अच्छी सारे जने निकल चुके हैं, हम भी नहा धोके ऑल सेट रेडी हो। मम्मा कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई दुबई के शेखों के पास अर्चित को बेचने। अर्चित की बोली लगी है, कह रहा जी ये मोटा गोश्त है। ये खाने का है हमको। मका ले लो सारे गोश्त खा लो इसका। कितना आराम से बैठा बिकने के लिए। ऐसा ये बिका हो रहा है सारे टाइम। ये देख लो, चल के नहीं दे रही आगे, बिल्कुल खाली। जी दिखाऊं? ये देख लो आगे कितना स्पेस पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं चल के दे रहा। 10 की स्पीड में चल रही है हमारी गाड़ी। पहले लेना हमको क्या क्या लेना? मोटे गुड़ ले ले पहले तो। पहले गुड़ लेंगे और फिर मौज प्रसाद। तो पहले गुड़ प्रसाद का यहाँ ले लें फिर पहले पर गुड़ लेगा आया मेरे को। पहले गुड़ ले लेते हैं भैया यहाँ से। भाई ये ले चुके हम बेसन के लड्डू और डिग्गी में रखा है हमारा वो क्या कहते हैं, एक लास्ट गियर रखी है। जस्ट किडिंग, ये हो रही ना लास्ट। तो ये हो रही भाई, हमने अब जा रहे हैं हम खोड़ी के मंदिर में, पीछे धरा 10 किलो गुड़। भाई गुड़ सीधा गाय डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगी गाय, देख लेंगे जाकर। चलो देख लें भाई, वहाँ पे गौशाला है प्रॉपर, तो वहाँ पे गुड़ खुवाएंगे उनको और प्रसाद चढ़ा देंगे। अब सीधा मिलते हैं मंदिर में। गलत फंस गया भाई, भाई तो सब हमको देख रहे हैं। जय माता दी, जय माता। भाई वो एक आ रहा भाई, बड़ा सांड आ रहा। अच्छा मिलने आ रहा हो? आपके साथ की टेंशन ले दूँ, आपसे पहले हम आगे आ जाएंगे। इतना विश्वास रखो आप, हम पक्का आ जाना भाई। वारी देखो सुनने नाना कुछ भी ना है, लग रहा है कुछ खाने के लिए लेके आए हो। इसको पकड़े कैसे पर? ओ भाई वो पंडित जी, ओ भाई दुलत्ती बहुत तेज मारे, पीछे से हट जा। हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय गौशाला। यो भाई सांड है तो कह सके भाई, सांड है वाला है भाई, ये वाला सांड है ना, गाय ये भागने नस्ल की है। लक्ष्य भाई और वो तो कम के शुरू हो गया यहाँ तक फट गए। ओ ओ ओ मार दिया 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 मार दिया। ये भाई डेंजर गाइस, तो वहां खड़ी है और भाई ये डायरेक्टली मतलब कि खोर में जा रहा है, कभी तुम्हें लग रहा है जमीन में फेंक रहा हूं, ये खोर में जा रहा है। हां नीचे गायों के बर्तन बने हैं। हां गाय के बर्तन भी है भाई, तो बस भाई दिखाओ भाई को, भाई बता देना। हां गायों की खोर बनी हुई है नीचे एकदम, बहुत बढ़िया। क्या गायों की बहुत बढ़िया सेवा होती है।
हाँ सारी खोर ही खोर है कहीं तो निदान तो ना खा रहे हैं। कर रहा यार मामा बहुत सारे हैं। तू भी हेल्प करवा दे यार। दोनों डिब्बे करके चलेंगे। इतनी बहुत सारी गायें हैं। दोनों डिब्बे। अरे मिस्त्री, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार, 10-15 मिनट और। अरे ऐसे थोड़ी करे। भाई नीचे डाल देना, तब भी खाना है, तब भी खाना है। ये क्या है? गायों के लिए खाना बनाया जाता है। खल बिनोड़ा चूरी छिलका। खाना डब्बा ही डालो इसमें। डब्बा ही खाना। इन खाने में डाल दो ना मैंने। हाँ। है ना और क्या? ये रिपोर्ट कितनी? यार डाल दो भाई, सुबह आएंगे यहाँ खा लेंगे। एक खाओ ना खाना। खिड़की से डाल दो पल्ले साइड। भाई हमारे गांव का मंदिर है। हाँ जी क्या तुम तो आ रखे हो यहाँ पे? भाई पहले से तो बहुत बढ़िया बना रखा है। ये पिछली बार बना नहीं था, याद है? ये कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। तो भाई आ चुके हैं हम अपने बाबा मोहन राम के दरबार पे। और ये देखो यहाँ पे था मम्मा सांप, यहीं पे था वो सांप उसके अंदर। मेरे सिर पे लगी घंटी। बाल दी जोत ना तू बाड़े। अच्छा किसी और की है? मैं बाल देता हूँ। यो किसम फेंकूं इसमें? प्रसाद खा लूं मैं। एक कटोरी चढ़ा दूं? हाँ। थाली में ना? गाइस 0001 मिलने की खुशी में सब भगवानों को मेरी तरफ से ट्रीट। खिला नहीं सकता डायरेक्ट में, बट चढ़ा सकते हैं। कोई और भी लड्डू चढ़ागा किसी और का 0000 कुछ आया हुआ बन तो हमारा है ना, क्योंकि आओ जी। भाई जब मैं छोटा था ना तो ये ना गुफा है, इधर की साइड से निकल के अंदर की साइड से निकलती है, इसमें बड़ बड़ के निकले करते हैं पहले। घुस जाओ घुस जी अर्चित, तू तो शायद हैवी पड़ जाएगा थोड़ा। अरे ना आप कुछ ना है, तब भी कुछ ना था पहले। देख अंदर निकला है, दिखाऊं? छोटी सी गुफा है। हाँ। यही अच्छा तो यही निकल जाएगी। एक गुफा और थी इधर, वो ऊपर की साइड से थी, वो बंद कर दिया। और ये देवी माँ को हमारी तरफ से 0001 की ट्वीट। थैंक यू। अरे यार भगवान ने, भगवान को पता है मैं किस इंटेंशन से आ रहा हूँ, तो भोग भी बराबर है, मेरी ट्रीट भी बराबर है। भाई जी अब शनिदेव की बारी है, हमारे शनिदेव जी देख लो। मम्मी सोच रही हम तो बिना चला जाएगा, क्यों? हम 70 साल के हैं, घर में पड़ी पड़ी पैर कती सॉफ्ट हो रखे, छोटे छोटे कंकर चुभ रहे हैं। सही कह रही पति, ऐसा लग रहा है नीचे तक कील चुभ रही है मेरे पूरे पांव में। कील चुभ रही है, एसी में रहे सारे दिन, कुछ काम धंधा है नहीं। सही कह कती। भाई चारों चीता निकल चुके हैं जी अपने मंदिर में, पूजा वूजा करके रेडी हो जी। हैं अब एक बार अब इस बतख को छोड़ाऊं मैं घर एक बारी। रास्ते में जो दिखा ना ज्यादा बच्चे बच्चे वहाँ एक बार गाड़ी रोक दी और बांट दी डिब्बा। इस बाबा तक देना है क्या? हैं ये बाबा लेगा ना, ये हमने समझ लेगा मेंटल न्यू को सोड़े कुछ खुआ के मुझे अगवा करना चाह रहे हैं, मेरी 10 गज की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं रस्ते में। तो भाई अब सीन है, अब बीच में अगर कोई भाई, ये हमारा एक डिब्बा बच गया, एक डिब्बा तो मैंने बांट दिया पूरा, एक डिब्बा बच गया हमारा, अगर बीच में कोई मिलते हैं हमें लोग जो मतलब
ले ले हमसे खुशी खुशी, तो भाई दे देंगे ये चीज़। और उसके बाद मम्मी को घर छोड़ूंगा, फिर एक बार अज्जू बिल्ली बुलावे मुझे, बहुत दिन बाद आई है कहीं से मार खा के मुंबई में मतलब कि वो गाड़ी गुड़ी ठुकवा के आई है, मगा चल आज मिलते हैं जरा पूछेंगे कि कहाँ ठुक गया अज्जू भाई। अज्जू भाई कौन सी गाड़ी आ रही है फिर? डिफेंडर। पक्की बात है? हाँ। टाइम बता दो बस भाई, देखो जो टाइम पीरियड जो उन्होंने बताएंगे। पर गाड़ी फाइनल होगी? गाड़ी फाइनल होगी, बस चलेंगे बुकिंग करने। ऐसे क्या पसंद आ गई भाई? देख तू चलाते हो तो पसंद आ जाती है। अच्छा जी, मतलब जी वैगन यार, वो तो पिछली बार देखा था, वो तो बड़ी भुंडी थी अंदर था, वो इस पे वो वाइट था ना इसका इंटीरियर पूरा, तभी बढ़िया लगी। मेन चीज दूसरा चला के देखते ना, तो चलाने के बाद जो सस्पेंशन है, जो चलाने का एक्सपीरियंस है, उसका टेस्ट ड्राइव लेगा वो, मैंने तो देखी ना। चलेंगे दोनों भाई, बुक करा लेंगे। अच्छा ठीक है, टेस्ट ड्राइव बुक करके करेंगे। धन्यवाद भाई, मैं निकलता हूँ फरीदाबाद ब्रो। फरीदाबाद जा रहे हो भाई? अनु भाई से राम राम बोलना। बिल्कुल भाई, आप करो भाई, इंजॉय करो। ओके भाई जी, ओके जी भाई, राम राम। तो भाई अज्जू भाई कैसे, मैं निकल चुका हूँ आज, मंदिर भी होकर आ गया, अपने सारे काम कंप्लीट हो चुके। स्क्रिप्ट मैंने भेजी थी बट उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसलिए अनूप भाई के पास मैं जा रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखने फरीदाबाद। इसलिए व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ कर देना।